जिला के कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत पिपरा कुरुंद के ग्राम कांदोपानी में अवैध रेत का उत्खनन लगातार जारी है। भास्कर मिश्रा व जेपी राणा उर्फ छोटे बैस का इस अवैध उत्खनन व भंडारण करने में नाम सामने आया है। सिंगरौली ग्राम पंचायत के नाम पर अवैध रेत का कारोबार अच्छे तरीके से फल फूल रहा है। चाहे वह ग्राम पंचायत पिपरा कुरुंद के कांदोपानी हो या फिर ग्राम पंचायत कोयल खुद कटौली सहित इन सब ग्राम पंचायतों पर खनिज रेत माफियाओं का धंधा चल रहा है। ऐसे में खनिज विभाग पर उठ रहे हैं कई सवाल। इन रेत माफियाओं पर कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है? क्या खनिज विभाग के सहयोग से और आपसी तालमेल से मिलीभगत करके सरकार को लगा रहे हैं करोड़ों का चूना? कांग्रेस के राज्य में भूमाफियाओं का हौसला इतना बुलंद है कि प्रतिदिन कारोबारियों की चांदी कट रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस समय कांदोपानी में शासकीय खदान जल भराव के कारण पोर्टल बंद है। वहीं रेत माफियाओं द्वारा कांदोपानी के खदान से थोड़ी ही दूर पर अवैध रेत का उत्खनन और भंडारण बड़ी बड़ी पीसी मशीनें लगाकर किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि भास्कर मिश्रा, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, अपनी सत्ता का फायदा उठाते हुए एमपी से अवैध खनन कर यूपी में व्यापार हो रहा है। वहीं जेपी राणा उर्फ छोटे बैस पहले से ही अवैध रेत जाने माफिया व खिलाड़ी माने जाते हैं। सूत्रों के द्वारा जानकारी मिली है कि जेपी राणा उर्फ छोटे बैस द्वारा गर्मी के दिनों में हर वर्ष रेत नदी के बड़े पुल के नीचे से अवैध रेत का उत्खनन व भंडारण प्रतिवर्ष डंपरों व ट्रक से लोड कर यूपी भेजा जाता है। रेत माफियाओं का खनिज विभाग व पुलिस प्रशासन द्वारा किया जा रहा है पूरा सहयोग। सूत्रों का कहना है कि रेत माफियाओं द्वारा उत्खनन कर ज्यादा रकम के लिए भेजा जाता है। वह कांग्रेस के नेताओं द्वारा ही अवैध रेत उत्खनन व परिवहन करके कांग्रेस का बंटाधार करने में तुले हुए हैं। ग्रामीण लोगों का कहना है कि ऐसे नेताओं को तो पार्टी से तुरंत निकाल देना चाहिए जो अवैध कामों में संलिप्त हैं और पार्टी को बदनाम कर अपनी स्वयं के लालच में अवैध रेत का व्यापार करने में दिन रात 24 घंटे संलिप्त हैं। सिंगरौली से अनिल कुमार दुबे की रिपोर्ट।